टॉक्स में अल्पेश यादव ने उसको वार्निंग दी जिसने उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर की है, और उन्होंने ये तक कहा कि भाई घर से उठा लेंगे, बहुत सारी चीजें की, और उन सारी चीजों पर सवाल उठे कि अल्पेश यादव जो है खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनमें घमंड आ गया है, वो बदल गए हैं। लेकिन दोस्तों, जिनको लगता है कि अल्पेश बदल गए हैं, अब उनके लिए अल्पेश का एक जवाब आए। चलिए बात करते हैं, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूँ अदिति शर्मा। तो ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी एल्विश शो है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं गिरे, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से पहले भी गिर चुके हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं, और अपने तरीके से उन कंट्रोवर्सी का भाई सामने वाले को जवाब भी दे चुके हैं। जब वो बिग बॉस के घर के अंदर भी गए थे तो बहुत सारी बार ऐसी बातें हुई जहां पर उन्होंने कह दिया था कि हाँ बाहर मिल लेना, गायब करवा देंगे, इस तरीके की चीजें जो कि वो मतलब कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अभी उन्होंने कुछ नया कह दिया। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि एल्विश इस तरीके की धमकियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनमें अब घमंड आ गया है, क्योंकि उन्हें इतनी फेम मिल चुकी है। लेकिन एल्विश का कहना है कि वो पहले से ही ऐसे थे। उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, फॉर ऑल दोस्त जिनको लग रहा है मैंने किसी को धमकी दे दी तो मैं चेंज हो गया। भाई मैं बिग बॉस में भी ऐसा ही था तो रियलिटी शो ही, मतलब वहां पर भी मैं इतना ही रियल था। मैं देखा बीच में वही धमकियां देते हुए अल्पेश यादव को, और उस पर काफी जो है पॉइंट्स भी उठे थे, काफी सवाल भी उठे थे, बहस भी चली थी कि अल्पेश इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन एक किस्म से अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री खंगालेंगे तो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज काफी सारी अल्पेश के साथ हो चुकी है। आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।